काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। गुटका और पान लोगन का पसंद तो बहुत होते, लेकिन फजीहत तब हो जाती जब लोगन के द्वारा गुटखा और पान खाए के बिना जगह देखे बिना विचारे जहां तहां थूक दिन जाते। लेकिन अब यह हरकत बता दे कि यह आदत रीवा के निवासन का महंगे पड़े वाली है। भाई रीवा माँ गुटखा और पान खाए के जहां तहां थूके वाले इनके ऊपर अब कार्रवाई की जाए। शहर का रेड स्पॉट फ्री और रैंकिंग में 5 स्टार बनावे के लक्ष्य रखा गया है। जहाँ आप बता दे कि ऐसा हरकत अपना के ऊपर भारी पड़ सकती है। भाई तो उन क्षेत्र के पहल वगैरह न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभाजनन का प्रणाम कही थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दी कि मध्य प्रदेश के दूसरे शहर के तर्ज पर अब रीवा का स्वच्छता में बल बनावे की तैयारी की जा रही है। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के मुताबिक 2023-24 के सर्वेक्षण में स्वच्छता के सर्वेक्षण में 1 3-स्टार स्वच्छ शहर रीवा बना है। और वर्ष कोशिश की जा रही है कि वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिल सके और इसके खातिर सीवरेज नेटवर्क के काम शहर में तेजी से हो रहा है। नगर निगम आयुक्त के द्वारा कहा गया कि बार के लक्ष्य रखा गया है कि रीवा शहर स्वच्छता में 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त करे। और यही वजह से अनुरोध करे चाहती है कि कचरा का कचरा गार्डन में डाला। बड़े महानगर के तर्ज पर प्रयास किए जा रहा है कि स्वच्छता में रीवा बेहतर प्रदर्शन करे। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर का रेड स्पॉट फ्री करवावे के लक्ष्य होते हैं। जहाँ जोने जगह में रेड स्पॉट ज़्यादा पाए गए हैं उनका साफ करे के प्रयासों की जा रहा है। रेड जोन मुक्त क्षेत्र तभी हो सकते है जब शहरवासी गुटखा खाए के जहां तहां न थूका। एक खातिर नगर निगम के द्वारा समय समय पर चालानी कार्रवाई की गई है। चालानी कार्रवाई बता दी कि अब जो है सख्त की जाए। नगर निगम आयुक्त के द्वारा रीवा के तमाम नागरिकों से अपील की गई है कि उस शहर का स्वच्छ रखे में अपन बहुमूल्य योगदान दें। अन्यथा गुटखा और पान खाए के इधर उधर थूके वाले और शहर का गंदा करे वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। जानकारी के मुताबिक जुर्माना की राशि 200 रुपया से लेकर 500 रुपया तक हो सकती है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। सर्वेक्षण में हमारे शहर को रेड स्पॉट फ्री यानी इस प्रकार के थूक से मुक्त कराने का भी एक लक्ष्य होता है। हमने 3 स्टार के समय भी जहां पर लोगों का थूकना ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों को साफ करने के प्रयास किए हैं। पर हमारे रेड जोन मुक्त क्षेत्र तभी हो सकते हैं जब सभी नगरवासी गुटखा खाकर यहाँ वहाँ ना थूकें। इसके लिए नगर निगम ने बीच बीच में चालानी कार्रवाइयाँ भी की हैं और आने वाले समय में भी इसमें सख्त चालानी कार्रवाइयाँ की जाएगी।